तो हे व्हाट्सएप गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करते हो ठीक होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग सीखने वाले हैं। चलिए बिना टाइम का करते हैं हम इस वीडियो को स्टार्ट। मुझे पूरा पूर्ण विश्वास है कि आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर आपको ये वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए अब हम करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। आपको मैं प्रीसेट फोटो का लिंक अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा और उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो है गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं फोटो स्नैपशीट एप्लीकेशन के अंदर शेयर हो चुका है। तो यहाँ से सबसे पहले करेंगे हम इस टूल्स वाले आइकन पर क्लिक। तो चलिए करते हैं यहाँ से हम टूल्स वाले आइकन पर क्लिक और यहाँ से हम करेंगे सिलेक्टिव को सिलेक्ट। तो गाइस, आपका फेस जहाँ से ब्लैक होगा तो इस प्लस वाले आइकन को वहाँ पर ले जाना है कुछ इस तरह से, और या तो इसे आप छोटा कीजिए और तो इसके ब्राइटनेस को बढ़ा देना है। इसी स्टेप का फॉलो करके आपका फेस जहाँ से ब्लैक होगा वहाँ पर ले जाकर इसे और इसके ब्राइटनेस को बढ़ा देना है, और यहाँ से कर देंगे हम डन। तो गाइस, फिर से हम करेंगे इस टूल्स वाले आइकन पर क्लिक। तो चलिए कर देते हैं हम टूल्स वाले आइकन पर क्लिक। तो हम इस टूल्स वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ट्यून इमेज का ऑप्शन। तो हम इस ट्यून इमेज वाले ऑप्शन पर कर देंगे क्लिक और इसके हम क्या करेंगे, एम्बिएंस को इंक्रीज करेंगे। तो चलिए थोड़ा हम इसके एम्बिएंस को इंक्रीज कर देते हैं 41 के करीब, और इसके थोड़ा शैडो को और बढ़ा देंगे हम 27 के करीब, और यहाँ से कर देंगे इसे डन। अब हम अपने इस फोटो को शेयर करेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए करते हैं अपने इस फोटो को शेयर लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो गाइस, अब आप देख सकते हैं फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर शेयर हो चुका है। तो यहाँ से हम करेंगे इस ऑल फोटोज पे क्लिक और यहाँ से हम अपने फोटो को कर लेंगे सिलेक्ट। तो आप ये अपने फोटो को कर लीजिएगा सिलेक्ट। तो हमारा फोटो ये रहा और यहाँ से हम कर लेते हैं इसे सिलेक्ट। तो आप देख सकते हैं हमारा फोटो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो चुका है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे हमें मिलता है एक लाइट का ऑप्शन, तो यहाँ से करेंगे हम इसकी लाइट एडजस्ट। तो इस पर कर देंगे हम क्लिक और हमें लाइट रूम से ज़्यादा ऐसे नहीं करना है। वाइट्स को हम कर रखेंगे 35 के 5 और हम रखेंगे ब्लैक्स को 62, और उसके बाद थोड़ा शैडो को इंक्रीज कर देंगे और थोड़ा हाईलाइट को कम कर देंगे। और यहाँ से करेंगे हम इस कॉलर वाले ऑप्शन पे, और यहाँ से हम करेंगे इस मिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक। तो हम कर देंगे इस मिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक। अगर हम आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो हम इस ऑरेंज वाले ऑप्शन पे करेंगे क्लिक और इसे सैचुरेशन कम करेंगे और लुमिनस को थोड़ा इंक्रीज कर देंगे, कुछ इतना रखेंगे इसके लुमिनस को। और यहाँ से करेंगे इसे डन और यहाँ पे करेंगे इस इफेक्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक और इसके क्लियरिटी को थोड़ा बढ़ा देंगे 21 के करीब, और उसके बाद में इसके विग्नेट को कम करेंगे 6 के करीब। अब हम अपने इस फोटो को स्मूथ करने के लिए शेयर करेंगे ऑटोडॉक्स स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर। तो चलिए अपने फोटो को कर लेते हैं पहले सेव, उसके बाद ऑटोडॉक्स स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर अपने फोटो को कर लेंगे शेयर। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारा हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहे। तो गाइस, आप देख सकते हैं फोटो ऑटोडॉक्स स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर शेयर हो चुका है। तो यहाँ से करेंगे इस ब्रश वाले आइकन पर क्लिक और इस पर हम क्लिक करेंगे। अपने फोटो को स्मूथ करने के लिए हम इस वाले ब्रश को कर लेंगे चूज। ये एकदम न्यू ट्रिक है फ्रेंड्स, अभी तक अकेले कोई नहीं बताया होगा ऐसा ट्रिक। तो हम इस वाले ब्रश पर कर देंगे और इसका सेटिंग देख लीजिए। और यहाँ से अगर आपका स्मोच नहीं हुआ तो यहाँ से जाकर यहाँ से हम इसे स्मोच कर देंगे और इसका सेटिंग को फॉलो कर रखेंगे 10 और सेट और नीचे वाले को 21 रखेंगे, और यहाँ से अपने फोटो को बहुत ही अच्छे तरह से स्मूथ कर लेते हैं। तो चलिए मैं वीडियो को फास्ट कर देता हूँ, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो। Oh.
जैसे आप देख सकते हैं फोटो कितना मस्त है, स्मूथ हो चुका है। इस फोटो को हम सेव करके शेयर करेंगे लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, फिर से हम करेंगे इस फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ऐड। तो चलिए शेयर करते हैं अपने फोटो को लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। तो हेलो गाइस, सबसे पहले हम करेंगे इस ऑल फोटोज पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं क्लिक और एक हम प्रीसेट फोटो का यूज करेंगे। तो इस प्रीसेट फोटो का लिंक हम कर लेंगे पहले कॉपी, तो हम इस प्रीसेट फोटो का चलिए लिंक कर लेते हैं कॉपी। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले हम इस थ्री डॉट पर करेंगे क्लिक और यहाँ पे हमें मिलता है कॉपी सेटिंग का ऑप्शन, तो इस कॉपी सेटिंग पर कर देंगे क्लिक। तो हमारा और यहाँ से कर देंगे डन। तो अब इस फोटो का जो भी क्लियरिटी इफेक्ट और सेटिंग था वो सारा कॉपी हो चुका है। तो अब अपने फोटो को ले जाएंगे और इसको पेस्ट कर देंगे। इस प्रीसेट फोटो का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा तो यहाँ से करेंगे फिर से थ्री डॉट पर क्लिक और इसको इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे। तो देखिए कितना मस्त इफेक्ट आ जाएगा। तो अभी थोड़ा सर्चिंग ले रहा है तो थोड़ा वेट करना होगा। तो आ चुका है इफेक्ट। तो हम करेंगे इस लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक और इसके एक्सपोजर को कम कर देंगे, थोड़ा रखेंगे और कॉन्ट्रास्ट को हम -70 रखेंगे। और फिर से करेंगे इस कॉलर वाले ऑप्शन पर क्लिक और यहाँ से मिक्स पर कर देंगे क्लिक और इस पर कर देंगे क्लिक और इसको थोड़ा बढ़ा देंगे और यहाँ से करेंगे डन। और फिर से करेंगे हम लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक और इसके शैडो को थोड़ा कम करेंगे और यहाँ से करेंगे डन। तो देख सकते हैं फोटो एडिट हो चुका है। तो हम आप इस फोटो को सेव कर लेंगे। तो आप लोग अपने फोटो को सेव कर लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा।